नमस्कार दोस्तों, अपने 100 वीडियो की श्रृंखला में फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग किलोटीन क्या है और कंगारू समापन क्या है, व्हाट इज कंगारू क्लोजर एंड व्हाट इज गिलोटीन, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और इसी के संदर्भ में क्लोजर मोशन क्या होता है और क्लोजर के और भी कितने रूप हैं, समापन प्रस्ताव क्या होता है और समापन के और कितने रूप है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं गिलोटीन क्या होता है, कंगारू क्लोजर क्या होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा क्लोजर मोशन या समापन प्रस्ताव के बारे में। हम जानते हैं कि संसद की कार्यप्रणाली के तहत अनेक प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, जैसे अविश्वास का प्रस्ताव, विश्वास का प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। उसी प्रकार का एक प्रस्ताव है समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव के यदि ऐतिहासिक आधार को ढूंढें तो इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई और सबसे पहले इसे फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में लंबे वाद विवादों को कम करने के लिए और समय बचाने की एक युक्ति के रूप में हुआ। हम जानते हैं कि फ्रांस की विधायिका को संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, और उसके दो सदन हैं जिसमें निचला सदन नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा है। राष्ट्रीय सभा में लंबे वाद विवाद होते थे और उसे रोकने के लिए सबसे पहले समापन प्रस्ताव या क्लोजर मोशन की संकल्पना फ्रांस में आई। फ्रांस में जब इसका अच्छा प्रभाव हुआ फिर इसे ब्रिटेन में लाया गया और ब्रिटेन में इसे इंट्रोड्यूस करने का श्रेय वहां के एक प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन को जाता है और ग्लैडस्टोन के पश्चात यह ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में आया और उसके बाद भारत में भी इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे अपनाया गया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि समापन प्रस्ताव क्या है और फिर देखेंगे समापन प्रस्ताव के क्या क्या रूप प्रचलित है। समापन प्रस्ताव का उद्देश्य संसद में किसी विधेयक, किसी चर्चा या किसी प्रस्ताव पर होने वाली बहस को समाप्त करना है और बहस को समाप्त करके उस विधेयक को, उस प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करना है। अतः समापन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य सदन में समय बचाना है और किसी प्रस्ताव पर, विधेयक पर चर्चा को रोककर, समाप्त कर, उसका समापन करके, उसका क्लोजर करके उसे मतदान के लिए प्रस्तुत करना है। समापन चार प्रकार का होता है। सबसे पहला है साधारण समापन। साधारण समापन जिसे हम सिंपल क्लोजर कहते हैं, सिंपल क्लोजर। साधारण समापन किसी विधेयक या प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करने की सबसे प्रचलित और सबसे सामान्य तरीका है। इसके द्वारा जब किसी विधेयक पर चर्चा चल रही होती है और किसी सदस्य को ऐसा महसूस होता है कि अब उस विषय पर, अब उस विधेयक पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, इसका तात्पर्य है कि मैटर हैव बीन सफिशियंटली डिस्कस्ड, पर्याप्त चर्चा उस विषय पर हो चुकी है और अब आगे उस विषय पर चर्चा की जरूरत नहीं होती, नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी सदस्य चर्चा के दौरान यह प्रस्ताव रख सकता है जिसे हम साधारण समापन का प्रस्ताव कहते हैं। और साधारण समापन के प्रस्ताव के द्वारा वह सदन से अनुरोध कर सकता है कि इस प्रस्ताव पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, द मैटर हैव बीन सफिशियंटली डिस्कस्ड, और इसीलिए अब इस प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त करके इस प्रस्ताव पर मतदान करवा लेना चाहिए। ध्यान रखना है कि यह चर्चा के दौरान लाया जाता है, चर्चा से पहले नहीं, और यदि सदन इस पर सहमति व्यक्त करता है
आधे से ज्यादा सदस्य इस पर सहमति व्यक्त कर देते हैं कि मैटर हैविंग बीन सफिशियंटली डिस्कस्ड शुड नाउ पुट टू वोट। चूंकि विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है अतः इसे मतदान के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि सदन ऐसा चाहता है तो वैसी स्थिति में अध्यक्ष उस विषय पर चर्चा को वहीं समाप्त करते हैं, पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, और उसे मतदान के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो यह पहले प्रकार का समापन है जिसे हम साधारण समापन कहते हैं। अब आइए समापन के दूसरे रूप को देखते हैं, इसे अनुभाग समापन। समापन का दूसरा रूप अनुभाग समापन या क्लोजर बाई कंपार्टमेंट कहलाता है। अनुभाग समापन या क्लोजर बाई कंपार्टमेंट कहलाता है। यह थोड़ा सा समझने वाली चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कंपार्टमेंट या अनुभाग का मतलब है कि किसी बड़ी इकाई को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे यदि आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो ट्रेन की एक बोगी होती है और उस बोगी में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। तो इस तरह हमने देखा एक बड़ी बोगी को आपने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, कंपार्टमेंट में बांटा। कुछ उसी प्रकार की बात यहां भी होती है। और क्लोजर मोशन का जो पहला रूप हमने पढ़ा सिंपल क्लोजर, साधारण समापन जो इससे पहले पढ़ा था। साधारण समापन किसी प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही होती उस समय किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता। लेकिन क्लोजर बाय कंपार्टमेंट या अनुभाग समापन किसी प्रस्ताव या विधेयक पर चर्चा प्रारंभ होने से पहले ही लाया जाता है और इसीलिए यह अध्यक्ष के द्वारा लाया जाता है, उसकी अनुमति से लाया जाता है या व्यवहारिक कारणों से होता है। यह सामान्यतः तब होता है जब कोई विधेयक बहुत लंबा है और उस पर चर्चा करने में काफी अधिक समय लगने वाला है और सदन में ऐसे बहुत सारे विधेयक पारित होने हैं और अध्यक्ष को ऐसा महसूस होता है कि समय की कमी है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष उस विधेयक पर चर्चा प्रारंभ होने से पहले ही अनुभाग समापन का प्रयोग कर सकते हैं। अनुभाग समापन किसी विधेयक की कई धाराओं को, कई क्लॉजेज को, कई सेक्शंस को एक साथ एकत्रित कर लिया जाता है, कह सकते हैं कि अनुभाग बना दिया। जैसे ट्रेन में हमने देखा कि चार बेड्स को लेकर या छह बेड को लेकर, छह बर्थ को लेकर आपने कंपार्टमेंट बना दिया, तो उसी तरह उसकी चार धाराएं, पांच धाराएं, छह धाराओं को लेकर उन्होंने एक अनुभाग बना दिया। अगली दो तीन चार पाँच छः धाराओं को लेकर अनुभाग बना दिया। इसका मतलब उसकी धाराओं को एकल में रहने देने की बजाय अलग अलग अनुभागों में बांट दिया और एक एक धारा पर चर्चा करने की बजाय सदस्यों से कहा जाता है कि आप इस अनुभाग पर चर्चा कीजिए, फिर दूसरे अनुभाग पर चर्चा कीजिए, तीसरे अनुभाग पर चर्चा कीजिए, और इस तरह से चर्चा जल्दी होती है और सामान्यतः यह लंबे विधेयक पर किया जाता है। इसे यदि हम ठीक से समझना चाहें तो मैं एक उदाहरण देता हूं कि सदन में किस प्रकार व्यवहार में यह लागू होगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्लोजर बाय कंपार्टमेंट क्या है। किसी लंबे विधेयक का उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं यदि उदाहरण लूं, भारत की संसद में मान लीजिए लाया जाता है भूमि अधिग्रहण विधेयक, लैंड एक्विजिशन बिल। एक ऐसा विधेयक लाया जाता है जिसका उद्देश्य जनहित में सड़कें बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसानों से भूमि अधिग्रहित करना है। ऑब्वियसली एक लोकतंत्र में जब आप किसानों की भूमि लेते हैं तो उसमें कई मुद्दे शामिल हैं। भूमि के प्रकारों का आप वर्गीकरण कर सकते हैं, मुआवजा कितना दिया जाएगा इसकी बात कर सकते हैं, विस्थापन यदि कुछ समूहों का होता है तो उसके संदर्भ में क्या प्रावधान होंगे, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उसमें हो सकते हैं। और इसीलिए विधेयक के कई हेडिंग्स होते हैं। तो जैसे भूमि अधिग्रहण विधेयक है तो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले उसकी भूमिका हो, उसके बाद उसमें अगला हेडिंग हो भूमि के प्रकार, इसका मतलब किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण होगा और किसका नहीं होगा, तीसरी चीज उसमें हो मुआवजा, चौथी बात उसमें हो विस्थापन, और लंबा विधेयक इस तरह के बहुत सारे हेडिंग्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए भूमिका में तीन धाराएं हैं, धारा एक,
धारा दो, धारा तीन। इसी तरह भूमि के प्रकार में छह धाराएं, धारा चार, धारा पाँच, धारा छः, धारा सात, धारा आठ, धारा नौ। मुआवजा में चार धाराएं, धारा दस, धारा ग्यारह, धारा बारह, धारा तेरह। और विस्थापन में धाराएं हैं, धारा चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह। इस तरह हमने देखा कि यह भूमि अधिग्रहण विधेयक है। संसदीय लोकतंत्र में यह माना जाता है कि कोई भी विधेयक तभी पारित हो जब उस पर पर्याप्त चर्चा हो जाए। और इसीलिए हम जानते हैं कि जब भारत की लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद में कोई विधेयक लाया जाता है तो उसके कई चरण होते हैं, स्टेजेज होते हैं, रीडिंग्स होते हैं, जिसे हम वाचन कहते हैं, रीडिंग कहते हैं। जैसे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि इन रीडिंग्स पर भी बनाऊं। यहां उस विषय पर ना जाते हम केवल इतना जाने कि ये जो विधेयक के निर्माण की प्रक्रिया है, जैसे भूमि अधिग्रहण का विधेयक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था द्वितीय वाचन होता है, सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक को समिति के पास भेजा जाता है, समिति उसका ड्राफ्ट तैयार करती है, उसके बाद प्रतिवेदन का स्तर आता है, और उसके बाद जब वह सदन में आता है तो द्वितीय वाचन का तरीका यह है कि विधेयक पर सदन खंडशः बहस करता है, आइटम वाइज डिस्कशन करता है, और आइटम वाइज डिस्कशन होने के बाद आइटम वाइज अमेंडमेंट भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इसको इस रूप में समझें कि द्वितीय वाचन फॉर एग्जाम्पल इस विधेयक का आता है, द्वितीय वाचन का समय आता है तो उसमें आइटम वाइज डिस्कशन होना चाहिए। इसका मतलब धारा एक पर डिस्कशन होना चाहिए सदन में। फिर धारा एक में यदि कोई सदस्य बदलाव चाहता है तो उस पर संशोधन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और यदि संशोधन पारित होंगे तो धारा एक बदल जाएगी। खंडसा बहस, आइटम वाइज, फिर धारा दो पर बहस, फिर धारा तीन पर, इस तरह से एक एक धारा पर बहस होनी चाहिए और तब उस विधेयक को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि समय कम है, साइन डाई जैसी घटनाओं के कारण बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है सदन का, और कम समय में ज्यादा विधेयक पारित करने हैं, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को पता है कि खंडसा बहस, आइटम वाइज डिस्कशन की प्रणाली काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि अनुभाग समापन का प्रयोग किया जाएगा, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट का प्रयोग किया जाए। अब अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि अब अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि इस विधेयक को कंपार्टमेंट में बांटा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने धारा 1, 2, 3, 4 को एक अनुभाग में बांटा, उन्होंने धारा 5, 6 और 7 को एक दूसरे अनुभाग में बांटा, उन्होंने धारा 8, 9, 10, 11 को तीसरे अनुभाग में, 12 और 13 को चौथे अनुभाग में, 14, 15, 16 को पांचवें अनुभाग में, 17, 18 को छठे अनुभाग। इस तरह उन्होंने कंपार्टमेंट में बांटा। और अब खंडसा बहस करने की बजाय, आइटम वाइज डिस्कशन करने की बजाय, अध्यक्ष कहते हैं कि पहले इस कंपार्टमेंट, इस खंड पर बहस होगी, एक साथ धारा 1, 2, 3 पर बहस होगी, फिर इस आइटम, इस खंड पर बहस होगी, एक साथ इस कंपार्टमेंट पर बहस होगी, फिर अगले कंपार्टमेंट अनुभाग पर बहस होगी, 8, 9, 10, 11 धारा। इस तरह हम देखते हैं कि बहस जल्दी हो जाएगी, आइटम वाइज डिस्कशन नहीं होगा, कंपार्टमेंट वाइज डिस्कशन होगा। और जब इस प्रणाली का प्रयोग करके समय बचाया जाता है तो इसे क्लोजर बाय कंपार्टमेंट कहते हैं। इस तरह हमने देखा कि ये क्लोजर या समापन का दूसरा रूप। अब आते हैं समापन का तीसरा रूप, जो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे कंगारू क्लोजर या कंगारू समापन कहते हैं। देखते हैं कि कंगारू समापन क्या है। कंगारू समापन भी समय बचाने की एक युक्ति है, और कंगारू समापन भी किसी विधेयक या प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नहीं लाया जाएगा। साधारण समापन चर्चा के दौरान आता है, लेकिन हमने देखा अनुभाग समापन चर्चा प्रारंभ होने से पहले ही आता है, उसी तरह कंगारू समापन का निर्णय भी चर्चा प्रारंभ होने से पहले ही लिया जाता है अध्यक्ष के द्वारा, यदि अध्यक्ष के पास समय कम है। कंगारू समापन, अध्यक्ष किसी विधेयक पर आइटम वाइज या खंडसह चर्चा नहीं करवाते, क्योंकि खंडसह चर्चा में बहुत समय लगेगा,
वे कंगारू समापन करेंगे। इसका तात्पर्य है कि कंगारू समापन में विधेयक की महत्वपूर्ण धाराओं को चिन्हित किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और कम महत्वपूर्ण धाराओं को छोड़ दिया जाएगा। और अध्यक्ष सदस्यों से यह कहेंगे कि समय कम है, इसीलिए जिन धाराओं को चिन्हित किया गया केवल उन्हीं धाराओं पर बहस होगी, उन्हीं धाराओं पर चर्चा होगी, और जिन धाराओं को चिन्हित नहीं किया गया वे कम महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उन पर चर्चा नहीं होगी और संपूर्ण विधेयक पर मतदान करवा लिया जाएगा। इसको हम समझते हैं यहीं से एक उदाहरण लेते हुए कि कंगारू समापन क्या है। व्यवधान हुआ, तकनीक है, अभी इसको धीरे धीरे समझ रहा हूँ, आगे पूरी तरह समझ जाऊँगा, फिर आते हैं विषय पर। हम समझ रहे थे कंगारू समापन, अब फिर हम पुरानी स्थिति पर आते हैं कि भूमि अधिग्रहण विधेयक, इसके हेडिंग्स है और इसकी धाराएं हैं। हमने देखा एक तरीका ये हो सकता था कि अध्यक्ष क्लोजर बाय कंपार्टमेंट करते, इसकी बजाय अब अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि हम क्लोजर बाय कंपार्टमेंट करने की बजाय इस पर कंगारू समापन का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष उस विधेयक की महत्वपूर्ण धाराओं को चिन्हित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अध्यक्ष ने यह चिन्हित किया कि धारा एक महत्वपूर्ण, धारा चार महत्वपूर्ण, धारा सात महत्वपूर्ण है, धारा चौदह महत्वपूर्ण है और धारा सत्रह महत्वपूर्ण है, तो खंडसा बहस या आइटम वाइज डिस्कशन करने की बजाय अध्यक्ष सदस्यों को कहेंगे कि आप धारा एक पर चर्चा कीजिए और उसके बाद सीधे छलांग मारकर आप धारा चार पर आ जाए, दो और तीन धारा बिना चर्चा के रहेगी। फिर वो कहेंगे धारा पांच और छह को छोड़कर आप छलांग मारकर धारा सात पर आ जाइए, फिर वो कहेंगे आठ और नौ को, दस ग्यारह बारह तेरह को छोड़कर आप छलांग मारकर चौदह पर आइए और फिर धारा सत्रह पर आइए, और धारा 17 जैसे ही समाप्त होगी उस प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसे हम कंगारू समापन कहते हैं और आप ये चार्ट देखकर समझ चुके होंगे कि इसे कंगारू समापन शब्द क्यों प्रयोग में लाया जाता है, क्यों हमेशा जाना चाहिए। कंगारू हम जानते हैं कि एक ऐसा जानवर है जो छलांग मारकर चलता है, तो यहां एक प्रकार से बहस के दौरान छलांग लगाई जा रही है, एक से चार, चार से सात, सात से चौदह, और इसीलिए हम इसे कंगारू समापन कहते हैं। तो इस तरह हमने समापन का तीसरा रूप देखा, साधारण समापन, अनुभाग समापन और कंगारू समापन। अब आते हैं एक चौथे समापन की रीति पर जिसे हम गिलोटीन समापन या सामान्यतः गिलोटीन कहते हैं। देखते हैं गिलोटीन समापन क्या है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि गिलोटीन समापन क्या है। गिलोटीन समापन को समझने के लिए हमें गिलोटीन शब्द को समझना पड़ेगा, और गिलोटीन बहुत ही खतरनाक शब्द है। गिलोटीन का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न परिस्थितियों से है, और फ्रांस की क्रांति के दौरान एक ऐसी मशीन बनाई गई थी जिसे मौत की मशीन कहते हैं, और वह मौत की मशीन ही गिलोटीन थी। चूंकि फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद के वर्षों में फ्रांस में अराजकता का माहौल कायम था, जहां हम देखते थे कि एक गुट दूसरे गुट को विस्थापित करके सत्ता प्राप्त करता था, और ऐसी स्थिति में जब एक गुट दूसरे गुट को विस्थापित करके सत्ता प्राप्त करता था तो बड़े पैमाने पर दूसरे गुट के सदस्यों को मृत्युदंड दिया जाता था। उस समय यूरोप में मृत्युदंड देने की जो प्रणाली थी, फांसी की जो प्रणाली थी, वह बहुत ही अमानवीय थी। यदि आपने स्वयं फ्रांस के सम्राट लुई सोलहवीं की फांसी के बारे में सुना हो, या चार्ल्स प्रथम की फांसी के बारे में
सुना होगा और पढ़ा होगा, तो उस समय फांसी का मतलब था कि एक बड़े कुल्हाड़े से पशु की तरह उसका वध कर देना, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देना। फांसी का ये रूप प्रचलित था, उसके लिए जल्लाद होते थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौर में जब सैकड़ों की संख्या में एक दिन में फांसी क्रियान्वित करनी होती थी तो उतनी बड़ी संख्या में जल्लाद उपलब्ध नहीं थे, तो एक मशीन बनाई गई थी जो मशीन एक ब्लेड की तरह थी और ऊपर से वो ब्लेड छोड़ा जाता था, नीचे सर धर से अलग होता था और बारी बारी से बड़ी संख्या में फांसी दी जा सकती। तो गिलोटिन एक ऐसी मशीन थी जो सर को धर से अलग कर देती थी। देखिए कि गिलोटिन समापन यहां किस प्रकार, गिलोटिन समापन से तात्पर्य समापन की एक ऐसी रीति से जिसमें यदि बहस प्रारंभ हो चुकी और अध्यक्ष को यह महसूस होता है कि समय की काफी कमी है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि विधेयक की जिन धाराओं पर बहस हो चुकी केवल उन्हीं धाराओं पर बहस हो और जो बची हुई धाराएं उन पर अब बहस ना करवाई जाए, बल्कि बिना बहस के ही उन धाराओं को पारित मान लिया जाए। कहने का मतलब कि मान लीजिए धारा 8 तक बहस हो चुकी है और तब अध्यक्ष को यह महसूस होता है कि समय की काफी कमी है और अन्य विधेयक भी कतार में है, काफी समय अधिक निकल चुका है। ऐसी स्थिति में गिलोटीन का मतलब है कि वह सिर काट देगा। कहने का तात्पर्य है कि माना जाएगा कि विधेयक के सिर के हिस्से पर बहस हुई और इस हिस्से को बिना बहस के ही मान लिया जाएगा कि बहस हो चुकी है और संपूर्ण विधेयक पर मतदान करके उसे पारित करवा लिया जाएगा। इस तरह गिलोटीन समापन समापन का वह रूप है जिसमें विधेयक के जिन हिस्सों पर जिन धाराओं पर बहस हो चुकी है उन्हीं धाराओं पर केवल बहस की जाती है और बाद की धाराओं को बहस किए बिना मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इसे हम गिलोटीन समापन कहते हैं। इस तरह दोस्तों आज हमने देखा कि क्लोजर मोशन क्या है और समापन के विभिन्न रूप क्या है। इस प्रकार के वीडियोज लेकर मैं आता रहूँगा, 100 वीडियोज की मैंने योजना बनाई है और फिर वही बात कहता हूँ जो प्रतिदिन कहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं 100 वीडियो बनाने की अपनी योजना को क्रियान्वित कर पाऊँगा। तो निरंतर आपकी सेवा में आता रहूँगा और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।